नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की बड़ी खबर आ रही है। बीनागंज में आज चाचौड़ा के विधायक लक्ष्मण सिंह के द्वारा बीनागंज के बस स्टैंड पर सब्जी मंडी के दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए भोपाल से आए। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं के साथ सब्जी मंडी के दुकानदारों एवं बस स्टैंड से लगी दुकानों से मिलने से पहले विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया। बाद में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। दुकानदारों की समस्याएं सुनी। बस स्टैंड पर लगी दुकानदारों से भी समस्या सुनी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बस स्टैंड की नीलामी हो जाने के चलते नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सब्जी मंडी एवं बस स्टैंड को खाली कराने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। देखते रहिए यूवीएन 08, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भोपाल में कई ऐसी सरकारी जगह जहां आरक्षित कांग्रेस ने करी थी, उनको मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए वो बेच दी। ये सरकार गरीबों को मिटाना चाहती, ख़त्म करना चाहती है। गरीबी नहीं, ये गरीबों को ख़त्म करना चाहती है। और मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि क्या तुम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऐसे बनाओगे कि सब्जियों के ठेले लगाने वालों को हटा दोगे, ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा? यहीं इनको पक्की दुकान बना के दें और मैं इसमें विधायक निधि देता हूँ, क्योंकि ये दादागिरी तो चलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है उनको नहीं हटाएंगे। पूर्व कांग्रेस सरकार ने यहाँ अतिक्रमण तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके फिर बन गए, लेकिन नहीं साहब। और इसका जवाब तो जनता तुम्हें अभी नगर पंचायत चुनाव में देगी, इतनी बुरी तरह तुमको हराएगी। और मैं प्रशासन को चेतावनी देने आया हूँ कि तुमको बात करनी मुझसे करो, मैं यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। बिना मेरे नॉलेज के, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी राय लिए इस तरह के कदम उठाना क्या न्याय संगत है क्या? राजा साहब, और मैं इस मामले को, अभी विधानसभा आ रही है, मैं ध्यान आकर्षण लगा रहा हूँ इस मामले में। अभी 1 महीने के लिए विधानसभा चलेगी और मैं स्पीकर से भी कहूँगा और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर। ये लोग यहीं रहेंगे, यहीं दुकान बनेगी और यहीं।